Assalamu alaikum everyone, the online and the physical people. We are officially now going for the class 6 of our coding class. Yaad rakhiyega ki hum for next while repeat until fixed iterations ke liye, while repeat until conditional iterations ke liye, if or case selection conditions statements kar chuke hain. So now we're in a position to start something which is known as data structure. Data structure ke type kehlati hai array. O levels ke andar aap one dimensional, two dimensional arrays bhi karoge. AS mein aap stack, queue, linked list ye bhi data structures ki types hain. Aap usko padhoge. A2 ke andar aap stack, queue, linked list aur binary tree abstract data types ko under the name of डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ोगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक्स. वन डायमेंशनल एरे, दैट्स टुडेज टारगेट. टू हैव द आइडिया के हाउ डज ए वन डायमेंशनल एरे एक्चुअली वर्क्स, वी नीड टू चेक. मुझे याद करवाना, डू टॉक टू मी आफ्टर द क्लास. तो बहुत अच्छी बात होगी कि अगर आप इसको अपनी कॉपीज के अंदर भी नोट डाउन करते चले जाओगे. प्लस मेरे वो बच्चे जो मुझे ऑनलाइन फॉलो करेंगे, मेरे अपने स्टूडेंट्स होंगे, वो जो मुझे रिकॉर्डेड सुनेंगे, आप भी ये मेक श्योर कीजिएगा कि अपनी कॉपीज को सामने रखें और जो मैं आपको लेक्चर में डिक्टेट करवा रहा हूँ, जो चीज़ें मैं वाइट बोर्ड पर बना रहा हूँ, उसको अपने एंड पर भी बनाओ. ठीक है, it is a coding class. I will going to do some coding in Visual Basic as well, but because we need to develop the concepts first, so mostly we will be talking in the pseudocode in this beginning classes. Okay, later on as we move towards AS and then A2, especially in A2, then we only have to code. Okay, A2 ke andar we will pseudocode chahiye kyunki paper 3 ke andar chapter 1920 pura आपका एक से दो क्वेश्चन छोटो कोर्ट से रेलेवेंट, मतलब आपको छोटो कोर्ट में आंसर करना हो. ओके, सो टुडेज टॉपिक बेटा, डेटा स्ट्रक्चर इज अ जेनेरिक टर्म. जिन बच्चों को डेटा स्ट्रक्चर्स का थोड़ा सा आइडिया होगा, वो कह रहे होंगे कि हाँ सर, कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स भी तो आते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर. सो इफ यू टॉक अबाउट टिल लो लेवल्स, तो कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स. बेटा वेरिएबल्स के लिए जो मैंने सबसे पहली क्लास कंडक्ट की थी, उसको मैंने उसको कहा था ये सिंगल कंटेनर है, एक वक्त में एक वैल्यू को होल्ड करता है. तो उसी चीज को आज हम तोड़ने के लिए जा रहे हैं, कोई और चीज करेंगे जो कि सिंगल कंटेनर नहीं होगा. अच्छा, वेरिएबल्स के अलावा हमारे पास बेटा एरे है. एरे भी एक डेटा स्ट्रक्चर होता है. इसके अंदर आप वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल, ठीक है, दोनों तरह की एरेज पढ़ोगे. डेफिनेटली हम जब आगे डेटा स्ट्रक्चर को एक्सपैंड करेंगे तो फिर हम एडीटीज का जिक्र करेंगे. एडीटीज का जिक्र हम तब करेंगे जब हम AS और A2 के साथ थ्योरी पढ़ रहे हो. ऑफकोर्स AS एंड A2 ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दीज डेटा स्ट्रक्चर्स एज वेल. तो सबकी यहाँ से बेस बनेगी तो फिर आगे जाके बेटा आप कुछ और कर पाओगे. सो कॉन्स्टेंट्स वी ऑलरेडी नो अबाउट इट, वी हैव क्लास 1 फॉर इट. वेरिएबल्स वी आल्सो नो अबाउट इट, वी हैड क्लास 1 फॉर इट. एरे का जिक्र करता है. एरे की सीधा सीधा डेफिनेशन, क्योंकि वो कभी कभी पूछ लेता है कि एरे क्या होती है, एरेज क्या होती है. बेटा इसको हम लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स कहते हैं, लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स. ठीक है, स्टैक्ड और प्लेस्ड नेक्स्ट टू ईच अदर. वैल्यूज स्टोर्ड और retrieved by indexing. इंडेक्सिंग क्या चीज होती है, मैं ये भी समझ रही हूँ. ठीक है,
हमेशा मैं बात कहा करता हूँ कि जब भी कभी प्रोग्रामिंग कोडिंग लॉजिकल चीजों को समझा करो तो उसको सोचना इमेजिन करना बहुत जरूरी है। ह्यूमन ब्रेन वर्क्स इन अ वे कि वी रिमेम्बर शेप्स इमेजेस इवेंट्स पिक्चर्स। सही है। तो इस तरह से हमने जब लास्ट टाइम सिंगल वेरिएबल्स को कॉन्स्टेंट्स को बनाया था तो मैंने एक चीज आपको समझाने की कोशिश की थी, रैंडम एक्सेस मेमोरी बेटा, जिसको मेन मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, अगर आप किसी एक सिंगल वेरिएबल को बनाते हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर सिंगल वेरिएबल बनाने का तरीका क्या था? हम क्या करते थे? डिक्लेयर करते थे। हम डिक्लेयर कर क्या, हम एक वेरिएबल को बनाने के लिए जा रहे, वी यूज टू डिक्लेयर इट। डिक्लेयर वॉज अ कमांड। हम एक वेरिएबल का नाम, एक वेरिएबल बनाने के लिए जा रहे हैं। वेरिएबल का नाम क्या रखें? वेरिएबल के अंदर हमें कुछ स्ट्रिंग वैल्यूज को स्टोर करना है। किस तरह की स्ट्रिंग वैल्यूज? जैन तो एक स्ट्रिंग वैल्यू होगी ना, जिसके अंदर हम स्टोर करेंगे जैन स्टूडेंट्स, लेट्स कॉल इट स्टूडेंट। डिक्लेयर हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स का, तो बेटा स्टूडेंट्स एक वेरिएबल बन जाए। इसकी डेटा टाइप हम क्या रखेंगे? स्ट्रिंग रखेंगे। स्ट्रिंग का मतलब ये कि इसके अंदर स्ट्रिंग डेटा स्टोर होगा। बेटा जैसे ही इसको डिक्लेयर करोगे, बताओगे, मेंशन करोगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो कंप्यूटर की मेमोरी में, ठीक है, प्रोग्राम बनाने के लिए जा रहे हो, बिल्कुल शुरू में आपने ये लाइन लिख दी, तो कंप्यूटर की मेमोरी में वो क्या करेगा? एक स्पेस एक्वायर करेगा और यहाँ पे लिख देगा स्टूडेंट्स, क्योंकि हम फॉर का लूप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा लूप लगा के देखते हैं। जन जो बच्चे बेटा अभी फॉर का लूप को ना समझे तो वो प्रीवियस से प्रीवियस लेक्चर को दोबारा सुन लें, ताकि उनको फॉर का लूप लगाना तो आ जाए। ठीक है, तो हम सिंपली एक फॉर का लूप लगाते हैं और हम ये कहते हैं कि हम पांच बच्चों का नाम, पांच स्टूडेंट्स का नाम इनपुट कर रहे हैं, स्टोर करता है। तो फॉर का वेरिएबल, फॉर का लूप कैसे लगता था? फॉर एक्स ओके फिजिकल टू को मैं असाइनमेंट ऑपरेटर कह सकता हूँ, 1 to 5, तो आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर याद है। वेरी गुड बेटा, इसके नीचे मैं यहीं पे कमांड लगाता हूँ, आउटपुट एक मैसेज जनरेट करते हैं, एंटर नेम, क्योंकि ये काम हम 5 दफा करने के लिए जा रहे हैं। पांच बच्चों का नाम हमने इनपुट लेना है, तो मैसेज आएगा एंटर नेम, फिर वो नाम इनपुट करेगा तो हम वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, फिर मैसेज प्रिंट होगा एंटर नेम, फिर वो कोई और नाम इनपुट करेगा तो हम वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। एंटर नेम, ये हमने एक मैसेज डिस्प्ले किया, नीचे हमने इनपुट की कमांड यूज की, और इनपुट की कमांड यूज करके नीचे हमने आगे यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट्स, जो कि हमारे वेरिएबल का नाम है। और नेक्स्ट, और ये फॉर नेक्स्ट के दरम्यान वाली जो 2 लाइंस हैं कितनी दफा चलेंगी? 5 दफा चलेंगी। चलेंगी कैसे? इसको थोड़ा सा यहीं पे ड्राई रन करके देखते हैं। ठीक है फजी, सबसे पहले जब ये चलना शुरू होगा, सबसे पहले ये वाली इंस्ट्रक्शन चलेगी, ये वाला हमारे पास बॉक्स बन जाएगा, बन गया। उसके बाद ये लूप चलना शुरू होगा, सबसे पहले एक्स के अंदर 1 होगा, पहली आइटरेशन पहला चक्कर। स्क्रीन के ऊपर हम पूरा इसको रन करके देख रहे हैं, ठीक है, हम अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, ये बेटा अज्यूमिंग बड़ी जरूरी है, प्रोग्रामर्स की, डेवलपर्स की, क्रिएटर्स की जो है ना इमेजिनेशन बड़ी स्ट्रांग होती है। दैट्स व्हाट मेक्स अस ह्यूमंस डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द यू नो ऑल द स्पीशीज सो फार वी नो इन द यूनिवर्स। वी कैन इमेजिन थिंग्स एंड देन वी मेक स्टार्ट देन वी स्टार्ट बिलीविंग ऑन दोज आवर इमेजिनेशन एंड देन वी स्टार्ट क्रिएटिंग एंड मेकिंग थिंग्स। सो इमेजिनेशन, हम इमेजिन कर रहे हैं कि हमारा जैसे ही ये वाली कमांड चलेगी तो स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आएगा एंटर नेम, और इसके बाद ये मैसेज डिस्प्ले होने के बाद जैसे ही इनपुट की कमांड चलेगी तो यहाँ पे कर्सर ब्लैंक हो रहा होगा, इसका मतलब से इनपुट डिमांड कर रहा है। हमने यहाँ पे लिख दिया, और ये पहला चक्कर है, अभी फॉर का पहला चक्कर है, हमने यहाँ पे लिख दिया जैन, और जैन लिखने के बाद हमने क्या एंटर एंटर किया, तो ये स्टूडेंट वेरिएबल जो इनपुट के आगे लिखा हुआ है ना, स्टूडेंट वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर आके स्टोर हो जाएगा, पीछे मेमोरी के अंदर जैन। दिस इज आवर प्रोग्राम्स वर्क। ठीक है,
नेक्स्ट के बाद अगला चक्कर एक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी, हमें पता है फॉर लूप 5 दफा चलेगा। दूसरे चक्कर में नीचे दोबारा लिखा हुआ आएगा एंटर नेम, और एंटर नेम के बाद फिर कर्सर ब्लिंक हो रहा होगा। कर्सर ब्लिंक क्यों होगा? क्योंकि फिर दोबारा इनपुट की कमांड चलेगी। जब दोबारा इनपुट की कमांड चलेगी, कर्सर ब्लिंक हो रहा है, यूजर ने कुछ भी लिखा, ज़ाद लिख दिया, और ज़ाद लिखने के बाद एंटर किया, वेरिएबल का नाम क्या है? स्टूडेंट, सिंगल कंटेनर है। तो दूसरे बच्चे का नाम लिखेंगे जैन, बेचारा ये खत्म हो जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा जैद, क्योंकि ये सिंगल कंटेनर है। तो इमेजिन अगर ये प्रोग्राम 5 दफा चलेगा तो क्या 5 बच्चों के नाम स्टोर होंगे, या फिर जो आखिरी बच्चे का नाम आपने इनपुट किया होगा सिर्फ वो स्टोर होगा? देयर इज अ प्रॉब्लम। अब हमें क्या करना है, 5 बच्चों के नाम इनपुट करके स्टोर करने हैं। तो इसके लिए हम एक डेटा स्ट्रक्चर यूज करने के लिए जाएंगे जिसका नाम है अरे। अच्छा देखो, एरे का मैट्रिक क्या है, क्योंकि हम इसको रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, तो आप दोबारा इसको खुद से बना के देख भी लीजिएगा, मैं यहीं पे चेंजिंग कर रहा हूँ, सही है, समझ में अच्छा आ जाएगा। बेटा देखो, एरे बनाने के लिए मैंने सिर्फ एक छोटी सी चीज करनी है, चले हम इसको भी लिखा रहने देता है। चेंजिंग पता है क्या करनी है, स्टूडेंट्स लिखा है ना यहाँ, स्टूडेंट्स मैं दोबारा लिख देता हूँ, बिल्कुल वैसे ही लिख देता हूँ मैं। आगे यहाँ पे इसकी मैं लेंथ डिफाइन कर देता हूँ, कितने बच्चों के नाम इनपुट करके स्टोर करने थे? 5। दैट्स इट। मैंने सिर्फ क्या लिखा, 1 से लेके 5 स्टूडेंट्स जो है, जो सिंगल वेरिएबल था उसके आगे मैंने उसकी लेंथ डिफाइन कर दी, ठीक है। एरे के अंदर ये जो चीज है यहां से लेके यहाँ तक, अब इसके बारे में हम काफी सारी बातें कर सकते हैं। ये जो 1 है, इसको हम क्या कहेंगे, इस 1 को, इसको हम बोलेंगे लोअर बाउंड। तो बच्चे जिन्होंने कोडिंग वाली क्लासेस पहले ली हुई है उनकी चीजें याद है। ये जो 5 है इसको क्या बोलेंगे, अपर बाउंड बोलेंगे, वेरी गुड, ठीक है। और इस एरे की लेंथ कितनी है, 1 to 5 का मतलब 5 5। सो लेंथ ऑफ एरे कितनी होगी यहाँ पे, फाइव एलिमेंट्स। कीपिंग योर इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग, जब बेटा आप यहाँ पे एरे को डिक्लेयर करोगे जिसका नाम स्टूडेंट्स है, तो अब सीन्स कुछ ऐसे होंगे कि जैसे ही आपने ये वाली कमांड अब रन की, तो ये क्या करेगा, स्टूडेंट्स, ठीक है, एक कंटेनर नहीं बनेगा, कितने कंटेनर बनेंगे, 1 2 3 4 5। और उसको शुरू कहाँ से करेगा, उसका इंडेक्स 1 2 3 4 5, क्योंकि हमने 1 से शुरू किया था। ऐसा भी हो सकता था कि हम 0 से शुरू कर देते, तो 0 1 2 3 4, तो ये इंडेक्स लोअर बाउंड 0 भी हो सकता है। सुडो कोड के अंदर लोअर बाउंड जो है वो 100 भी हो सकता है, 100 से या 101 से लेके 105 भी लिख सकते हैं। अलबत्ता प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम हमेशा इंडेक्स एरे का 0 से शुरू करेंगे, जब करेंगे तो देखेंगे, अभी हम छोटो कोड के अंदर समझ रहे। तो बेटा अब जब ये प्रोग्राम चलेगा, थोड़ी सी चेंजिंग और करनी पड़ेगी, क्योंकि अब जो स्टूडेंट्स हैं ये अब एरे है। तो अब जब इसमें हम डेटा स्टोर करेंगे, तो एरे को हम इस तरह से डेटा स्टोर या रिट्रीव करते हैं एरे में, हम एरे में जब डेटा स्टोर या रिट्रीव करते हैं तो हम क्या करते हैं, इंडेक्सिंग करते हैं। इंडेक्सिंग की मैं एग्जांपल इस तरह से दिया करता हूँ कि यूज योर इंडेक्स फिंगर, यूज योर इंडेक्स फिंगर टू टेल वेयर टू पुट द डेटा, फ्रॉम वेयर टू पिक द डेटा। सो यूज योर इंडेक्स फिंगर, फॉर एग्जाम्पल x1 हो गया पहला चक्कर, ठीक है। अब दोबारा प्रोग्राम को चला रहे हैं, एक बार फिर इंटर नंबर, इंटर नेम आए, हमने जैन लिख के एंटर किया, इंडेक्सिंग कर रहे हैं यार हम। देखो ये इंडेक्सिंग होती है, जो पीने का वो करा जो भी काउंटिंग और वेरिएबल होगा ना, जो भी काउंटिंग वेरिएबल होगा उसको हम यूज करेंगे इंडेक्सिंग जॉइन।
जो भी मैंने क्या बोला था, कौन सा वेरिएबल, काउंटिंग वेरिएबल, अगर मैं व्हाइल एंड व्हाइल रिपीट अंटिल का लूप लगाता तो वहां पे एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन लिखता है, या इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स प्लस वन लिखता है, या फिर मैं आई इज इक्वल टू आई प्लस वन लिखता, या फॉर के अंदर यहाँ पे जो वेरिएबल काउंटिंग यूज हो रहा है एक्स, इसकी जगह मैं एक्स की जगह पे इंडेक्स भी लिख सकता हूँ, एक्स की जगह पे मैं आई भी लिख सकता हूँ, सब कुछ लिख सकता हूँ ना, वेरिएबल है। तो ये फॉर के लूप का काउंटिंग वेरिएबल कहलाएगा इसी को, क्योंकि अगेन वो जो हमने सेकेंड और थर्ड क्लासेस के अंदर हमने फॉर नेक्स्ट व्हाइल एंड व्हाइल रिपीट इंटरवल को पढ़ा था, तो आई थिंक हमने जगह एक्स ही यूज किया था, लेकिन एक्स की जगह आप कोई और वेरिएबल भी यूज कर सकते हो, लेकिन सो फार वी हैव यूज्ड एक्स। फॉर के ही वेरिएबल को या काउंटिंग वाले वेरिएबल को, काउंटिंग वाला वेरिएबल जो कि 1 2 3 4 5 हो रहा हो, उसी को यूज करेंगे हम एरे को इंडेक्स करने के लिए। तो हमने एरे के, अब स्टूडेंट्स वेरिएबल नहीं है एरे, उसके आगे ब्रैकेट लगा के एक्स लिख दिया, पहला चक्कर था एक्स में 1 था, तो स्टूडेंट्स राइट नाउ एक्स के अंदर क्या है 1, तो स्टूडेंट्स 1 के अंदर जैन यहाँ पे स्टोर हो गया, स्टूडेंट्स के अंदर 1 पे, इसको हम कहते हैं इंडेक्सिंग हो गई। अगेन कीपिंग योर इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग, मैं कहता हूँ कि कंप्यूटर की मेमोरी बहुत बड़ा एक ह्यूज एक आपके पास एक अलमारी है, ह्यूज कबर्ड, बहुत सारे लाखों करोड़ों रैक्स हैं, अब उसमें से 5 रैक्स हैं यू पकड़ लिए, उस 5ों रैक्स को यू करके उसके ऊपर आपने एक बड़ा टैग लगा दिया स्टूडेंट्स, और 5ों रैक्स को आपने नंबर कर दिया स्टूडेंट्स 1 स्टूडेंट 2 स्टूडेंट 3 स्टूडेंट 4 स्टूडेंट 5, ठीक है, तो उंगली लगा के बता रहे हो कि स्टूडेंट्स 1 के अंदर जैन को स्टोर कर दो अपने इस प्रोग्राम की मदद से। उसके बाद जब बेटा दूसरा चक्कर होगा, तो दूसरे चक्कर में क्या करोगे तुम, दूसरे चक्कर में एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2, सही है, तो जब दोबारा एंटर नेम होगा, दोबारा तुमने एक नया नाम जैद इनपुट किया और एंटर किया, तो अब एक्स के अंदर राइट नाउ क्या आ चुका है 2, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि वो स्टूडेंट्स 2 के अंदर यहाँ पे जैद इनपुट कर देगा, ठीक है, प्रोग्राम ऐसे चलता है ना लाइन बाय लाइन। फिर ये पूरा चलने के बाद मैं तीसरा पूरा चक्कर चला के दिखा देता हूँ, यहाँ से ऊपर जाए एक्स की वैल्यू 3 हुई, अंदर आए ये वाली स्टेटमेंट दोबारा चली, एक बार फिर लिखा हुआ आया एंटर नेम, एंटर नेम के बाद जैसे ही ये वाली कमांड चली कर्सर ने करना शुरू कर दिया ब्लिंक, आपने तीसरे बच्चे का नाम लिख दिया सबूर, और जैसे ही एंटर किया क्योंकि तीसरा चक्कर था एक्स की वैल्यू 3 थी, तो स्टूडेंट्स 3 के ऊपर यहाँ पे सबूर स्टोर हो गया। तो जब ये प्रोग्राम अब 5 दफा चलेगा, तो 5 बच्चों का नाम इस एरे के अंदर इनपुट करके एरे को इंडेक्स करते हुए इसमें स्टोर कर देगा, एरे की इंडेक्सिंग, एरे के अंदर वैल्यू हो गई स्टोर, ठीक है। पाइथन वाले बच्चों से मोजरत के साथ, जो कि खाली एक कमांड लिखते हैं एंटर करते हैं तो सारी एरे का डेटा डिस्प्ले हो जाता है। अब हम इस एरे को, इसकी वैल्यूज को रिट्रीव करने के लिए जा रहे हैं, हम इसको प्रॉपर इंडेक्स करके रिट्रीव करें, सही है। पाइथन वाले बच्चे क्या करते हैं, वो लिखते हैं एरे का नाम, एंटर करते करते ले सर प्रिंट हो गया सारे नाम, ठीक है, तो हम इंडेक्स करके प्रिंट करेंगे। खैर पाइथन के अंदर जब आप कोडिंग करोगे फॉर सीआई, तो आपको इंडेक्स करके ही आउटपुट करना पड़ेगा, वैल्यू स्टोर हो गई। लेट्स सपोज मेरे पास एक एरे है, इसके अंदर बेटा नाम स्टोर हुए हैं जैन जैद सबूर और उबैद और फजलुल्ला, सर ये नाम बिगड़ने से गुना तो नहीं होगा, फजलुल्ला को हम मिनी करके फजी कर देते हैं, फजी ही बुलाना, नहीं वो तो अपने नाम से खुश है अपने निक नेम से, लेकिन मैं एहतियातन पूछ रहा हूँ, फजलुल्ला को हमने फजी किया हुआ है। अच्छा तो बेटा देखो, एक स्टूडेंट्स नाम की एरे है, उसमें 5 नाम स्टोर है, स्टोर हो गए रखे हुए, अब हमें इसको आउटपुट करना है, एरे के अंदर हमने पहले क्या किया, इनपुट करके वैल्यू स्टोर कर दी, अब स्टोर है इस एरे के अंदर वैल्यूज, इसको अगर डिस्प्ले करना है तो डिस्प्ले करने के लिए आप क्या करोगे, हम इस छोटे से कोड को यहाँ पर कह देते हैं कि ये वाला पार्ट ऑफ कोड क्या कह रहे हैं, टू राइट डेटा इन
एन एरे, ये काम हमने ये किया। सही है। टू रीड द डेटा फ्रॉम एरे, टू आउटपुट द डेटा फ्रॉम एरे। बेटा रीड इनपुट एक ही चीज है, राइट आउटपुट प्रिंट एक ही बात है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना आप। टू रीड क्या, उसको हम क्या देते हैं, टू डिस्प्ले, डेटा ऑफ एन एरे। तो बेटा एरे को, एरे के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर रखी हुई है, तो उसको हम डिस्प्ले करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, टू रिट्रीव भी लिख सकते हैं। सही है, बोलो। ओके, सो टू डिस्प्ले और टू रिट्रीव द डेटा ऑफ एन एरे फ्रॉम एन एरे ज्यादा बेहतर होगा। नॉट दैट रियली गुड इन माय ग्रामर, सो यू पीपल कैन हेल्प मी आउट, आई वोंट माइंड। ठीक है, ये मुझे टीचर एज नहीं देना, मैं कोई स्पेल मिस्टेक करूँ या कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक करूँ, यू कैन ऑलवेज करेक्ट मी। देर इज अ ग्रेटर चांस कि मैं सी एस कंप्यूटर साइंस के लॉजिक में बहुत कम मिस्टेक करूंगा, लेकिन यस ग्रामेटिकल स्पेल मिस्टेक्स में से हो सकती हैं। तो बेटा हम डिस्प्ले करने के लिए जा रहे हैं, दोबारा हम फॉर का लूप यूज करेंगे, हम जानबूझ के इंडेक्स आई यूज कर लेते हैं। हमें पता है कि जिस एरे को हम डिस्प्ले करने के लिए जा रहे हैं, सपोज हमें कुछ नहीं पता, हमें सिर्फ ये पता है कि एरे का साइज 1 से 5 है, उसमें उसका नाम स्टूडेंट्स है और उसको भी डिस्प्ले करना है। तो जब डिस्प्ले करने के लिए, राइट करने के लिए जाओगे, सॉरी राइट नहीं, जब हम एरे को डिस्प्ले या उसका डेटा रिट्रीव करने के लिए जाएंगे, उसको डिक्लेयर नहीं करेंगे, वो तो पहले से डिक्लेयर है, उसका जो डेटा स्टोर है ऑलरेडी। ठीक है, तो हमने फॉर का लूप चलाया 1 से लेके 5 तक, और हमने सिंपली कर दिया आउटपुट, और आउटपुट करने के बाद सिंपली मैंने एरे का नाम लिखा। बेटा काउंटिंग वेरिएबल का नाम क्या है यहाँ पे, हमने ब्रैकेट में आई लिखा और यहाँ पे लिख दिया नेक्स्ट। अल्लाह अल्लाह खैर सर, उस कोड की हम बाद में लिख सकते हैं। तो इससे होगा क्या है कि जब ये प्रोग्राम चलेगा, आई के अंदर 1 होगा, ये आउटपुट करेगा, क्या करेगा, स्टूडेंट्स 1 के अंदर की वैल्यू, तो स्क्रीन के ऊपर किस तरह से वैल्यूज आउटपुट होना शुरू होगी। सबसे पहले आउटपुट हो जाएगा जैन, फिर नेक्स्ट के बाद ऊपर जाएगा, आई के अंदर 2 आ जाएगा, नीचे आके जब आउटपुट करेगा तो स्टूडेंट्स, आई के अंदर 2 था तो स्टूडेंट्स 2 की वैल्यू को आउटपुट करेगा, तो नीचे आउटपुट कर देगा जैड। तो इस तरह से करते करते वो जितनी भी वैल्यूज थी सारी के सारी स्टोर, वो एक एक करके कर देगा उस एरे के अंदर से निकाल के, ठीक है, आउटपुट कर देगा। एरे को खाली नहीं करेगा, एरे के अंदर डेटा होगा। आप सेम वेरिएबल भी यूज कर सकते हो, ऐसे ही आप लोगों को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग देने के लिए कि वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। आप एक्स भी लिख सकते हैं, आप दोबारा नीचे एक्स लिख सकते हैं, आपको अलावा। सो यस, अगर तुम फॉर एक्स की जगह पे वाइल का लूप लगाना चाहते हो, ऑफ कोर्स फॉर का लूप बना ही फिक्स्ड आइट्रेशंस के लिए, तो वो आई को खुद ब खुद +1 करता है। अगर फॉर एक्स की जगह पे वाइल एंड वाइल या रिपीटेडली यूज करोगे, तो वहां पे आई इज इक्वल टू आई +1 करना पड़ेगा। मैं जल्दी से करके दिखा देता हूँ, अच्छी बात है, स्पेशली जो मेरे ओ लेवल वाले बच्चे हैं, खैर सभी देखें, क्योंकि आई डाउट दैट दैट कि मेरे कुछ एएस के बच्चों को भी इसकी भी अशद जरूरत होगी। क्यों कजिन? तो बेटा फॉर नेक्स्ट की जगह अगर मैं वाइल का लूप लगाता हूँ, तो वाइल आई लेस देन इज इक्वल टू 5, आई के इंडेक्स को हमें शुरू करना पड़ेगा 1 से, और इसके अंदर आप नीचे लिखोगे आउटपुट, इसी तरह से बाकी सारी की सारी चीजें, सॉरी आउटपुट स्टूडेंट्स ब्रैकेट के अंदर आए। हाँ, यहाँ पे आपको ये करना पड़ेगा, आई इज इक्वल टू आई +1 एंड वाई। सही हो गया, सेम फॉन्टेक्स वाला प्रोग्राम इस तरह से चेंज हो जाएगा अगर आप वैल्यू लूप यूज करोगे तो। सही है बात। तो दिस इज द वेरी यू नो
small but the brief introduction of one dimensional array, how to store the value in the array, how to retrieve the data from the array using precondition loop as well and using for next. अब हम इस काबिल है कि हम एक जनरल क्वेश्चन सॉल्व करें जिसको हम कहते हैं लीनियर सर्च. ऑल यू पीपल रेडी फॉर लीनियर सर्च? ऑलराइट, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ सिर्फ रिकॉर्डिंग को पॉज कर रहा हूँ ताकि हम लीनियर सर्च की रिकॉर्डिंग और कर लें और तुम भी लोग थोड़ा सा सांस ले लो और कुछ सवाल अगर मुझसे करने कर लो. मैं एक एरे का क्वेश्चन बना के तुम लोगों को दे देता हूँ, ठीक है, ताकि आप उसको खुद मिले थोड़ा सा होल्ड करके देखा. चलो चलो.